बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की लंबी उम्र की कामना भी की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारी तादाद में कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का स्नेह उन्हें मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया कि आज जन्मदिन के मौके पर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया, जिसमें भारी तादाद में युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जब 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विजयी होंगे और देश के चुमों के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्रेम है, मैं आभारी हूँ। आज कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, ये भी सराहनीय कदम है, क्योंकि कई ज़रूरतमंद लोगों को खून नहीं मिल पाता है अस्पतालों में, तो इसलिए इससे एक बड़ी उपलब्धि होगी। जो ग्रुप्स वहाँ पर नहीं है वो वहाँ जाएंगे, एक्सचेंज होगा, गरीबों को मिल पाएगा, ये भी बड़ा कदम लिया है। मैं अपने सारे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के उत्साह से अभिभूत हूँ और मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के दिन मैंने एक प्रार्थना बहुत खुले मन से की है कि प्रदेश का और देश के हर व्यक्ति का अच्छा हो, हम सुरक्षित रहें, हम वैभवशाली बने, हम स्वस्थ रहें और हमारी एकता और अक्षुणता बरकरार रहे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।